डॉक्टर मोहन यादव के मुख्यमंत्री बनाए जाने पर पन्ना में जश्न। एक दूसरे को मिठाई खिलाकर पटाखे फोड़कर मनाया जश्न। आज मध्य प्रदेश को नया मुख्यमंत्री मिला। कई कयास लगाए जा रहे थे कि पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बनेंगे, वहीं केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर प्रहलाद पटेल की संभावना पर भी कयास लगाए जा रहे थे। पर जब मुख्यमंत्री के नाम पर मोहर लगी, सभी अचंभित रह गए। डॉक्टर मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाया गया। मोहन यादव छात्र राजनीति से इंटर हुए और विधायक बने। शिवराज कैबिनेट में ही मंत्री रहे और आज शीर्ष नेतृत्व और विधायकों ने अपने नेता चुना। डॉक्टर मोहन यादव उज्जैन से आते हैं, उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया, जिसके बाद सभी जगह जश्न का माहौल है। पन्ना के गांधी चौक में भी खुशियां मनाई गई और एक दूसरे को मिठाई खिलाई और पटाखे फोड़कर जश्न मनाया गया। आज बड़ी खुशी की बात है कि भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश सरकार में मुख्यमंत्री पद पर श्री मोहन यादव जी को नियुक्त किया है। भारतीय जनता पार्टी समस्त कार्यकर्ता और पन्ना जिले के समस्त कार्यकर्ता बहुत खुश हैं। मध्य प्रदेश में खुशी की लहर है। हम सब भगवान जुगल किशोर से प्रार्थना करते हैं कि उन्हें कार्यकाल 5 वर्ष का बहुत आनंद से बीते। धन्यवाद। मैं भाजपा के जो प्रदेश कमेटी है एवं राष्ट्रीय कमेटी है, मैं उनको कोट-कोट धन्यवाद देना चाहूँगा कि हमारे यादव कुल से एक विशेष व्यक्ति जो समाज के लिए पार्टी के लिए समर्पित रहे, उनको आज मुख्यमंत्री पद का जो इन्होंने वो बनाया है उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। हमारे पन्ना जिले में नहीं, सारे मध्य प्रदेश के यादव महासभा की तरफ से मैं बोलना चाहूँगा कि उनको कोट-कोट धन्यवाद। उनका सारे लोग सहयोग करेंगे एवं हमारे पन्ना नगरी के समस्त समाज के लोग इसमें खुशी मना रहे हैं। सारे लोगों को खुशी है कि एक युवा मुख्यमंत्री हमारे प्रदेश में लाई है, पार्टी जो लाई है, उनके पार्टी के केंद्रीय मुखिया को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने आज अद्भुत, जो भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, उसमें मोदी जी ने एक कार्यकर्ता को उठाकर आज मुख्यमंत्री बनाया है। और ऐसे हमारे मोहन यादव जी मुख्यमंत्री बने हैं। विद्यार्थी परिषद से और संघ से लेकर आज तक उन्हें विभिन्न दायित्वों का निर्वहन किया, आज उन्हें एक नई जिम्मेदारी दी गई है जो उनको अच्छे से निर्वहन करेंगे।